क्षेत्र में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई वाहन जब्त किए। अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कल शाम को एक बार फिर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। हमारे संवाददाता फिरोज खान ने बताया कि नसरुल्लागंज में अवैध रेत उत्खनन को लेकर लंबे समय से अधिकारियों को शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई और जब्त वाहनों पर खनिज प्रकरण के तहत कार्रवाई की, जिसमें से 5 डंपर ओवरलोड एवं 3 बिना रॉयल्टी पाए गए। सूत्रों के अनुसार जानकारी में यह भी पाया गया कि खनन कंपनी द्वारा लंबे समय से एक काला खेल चल रहा था, जिसमें बड़गांव से गाड़ी भरकर रॉयल्टी जहाजपुर की दी जा रही थी। कल जब नाके से वाहन जब्त किए तब उसके पास कुछ वाहन से जहाजपुरा की रॉयल्टी प्राप्त हुई, जबकि कंपनी द्वारा खनन दूसरी खदान में किया जा रहा था और रॉयल्टी दूसरे स्थान की दी जा रही थी। नसरुल्लागंज से फिरोज खान की रिपोर्ट। ये जो अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, आज हम लोगों ने सुबह से ही इस कार्यक्रम को बनाया था कि ओवरलोड और जो अवैध परिवहन चल रहा था उसके संबंध में आज हमारी संयुक्त रूप से टीम बनाई थी। उसमें एक गाड़ी तो हमने सुबह पकड़ी थी और उसके बाद में आज शाम को छिदगांव काछी में पकड़ी है। इन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब इसमें हम जो भी खनिज एक्ट के अंदर जो कार्रवाई होगी जी, मैं जिला खनिज कलेक्टर महोदय को पत्र भेजेंगे, वहाँ से भी जो भी फाइन होगा। ये कार्रवाई ओवरलोड के तहत की गई है या बिना रॉयल्टी? नहीं, इसमें 3 गाड़ियाँ थी जिनके पास में बिना रॉयल्टी की थी और 6 ओवरलोड थी।